ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वयं सर्वशक्तिवान ने इस धरा पर आकर अपना महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसके द्वारा युग परिवर्तन होगा, जिसमें सभी के विकारों की आहुति पड़ जाएगी, जिसमें सभी के पाप और सभी पापी भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा महान यज्ञ जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बाबा ने हम सभी के कंधों पर दी है, हमारा परम कर्तव्य है हम उसमें संपूर्ण सहयोग करें और उसको निर्विघ्न बनाने के लिए तैयार रहें। हमारा सहयोग बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करता है। हम तन का भी सहयोग दें, धन का भी दें, अपनी योग्यताओं का भी दें, लेकिन विशेष रूप से अपनी वृत्तियों को शुद्ध करके अपनी प्योरिटी का, अपने योग बल का, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का सहयोग इस यज्ञ को दें। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान ने हमें अपने यज्ञ का कार्य दिया है, जिम्मेदारी दी है, हम पर विश्वास किया है, हम इस विश्वास पर खरे उतरें। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश भगवान के इस यज्ञ में भी विघ्न डालते हैं, वो कोई पद पाने के लिए विघ्न स्वरूप बनते हैं और वो समझते हैं हम तो बिल्कुल राइट हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं, सत्ता हमारे हाथ में ही होनी चाहिए, हमारे हमको ही सब कुछ करना चाहिए, हम ही योग्य हैं। वो भूल जाते हैं कि इस यज्ञ को चलाने वाला कौन है, या नीचे वाले तो सब निमित्त मात्र हैं, बाकी किसी में कोई ताकत नहीं। और ये भी जान लेना चाहिए इस यज्ञ में विघ्न कोई कितना भी डाले, इस यज्ञ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, विघ्नकारी आत्माएं स्वयं ही जलकर नष्ट हो जाएंगी। ये यज्ञ तो संपन्न होना है, क्योंकि इसके पीछे न केवल स्वयं भगवान है, प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन अश्वरतन और 108 विजयी रतन भी हैं, जिनकी महान पवित्रता, जिनका शक्तिशाली योग इस यज्ञ को संपन्न करके ही रहेगा। तो हम सभी सहयोगी बने, विरोधी नहीं, मैं इंचार्ज बनूं, इस संकल्प से यज्ञ में बाधा उत्पन्न न करें। तो आइए हम सभी इस महान कार्य को संपन्न करें और बाबा के दिल को जीत कर उससे अनेक वरदान प्राप्त करें। स्वयं भगवान जो स्वयं वरदाता है, हमें वरदान देने आ गया है, उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, वो कुछ आत्माओं को इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा है। उसकी कार्य करने की विधि इस संसार में बहुत कम लोग जानते हैं, न जाने किस किस पर उसकी नजर है, न जाने किस किस को शक्तियां देकर वो अपने इस महान यज्ञ को निर्विघ्न करेगा और इसको संपूर्ण सफल करेगा। हमारा तो इतना ही कर्तव्य है कि हम इसमें सहयोगी बने और बाबा के प्यार के पात्र बन जाएं। कितना अच्छा शुद्ध संकल्प होगा कि हम मन में ये संकल्प करें, ये बाबा का कार्य मुझे सफल करना है, इसमें मुझे कोई स्वार्थ नहीं रखना है, मेरा स्वार्थ, मेरे नेगेटिव वाइब्रेशंस, मेरा क्रोध, मेरी कोई इम्प्योरिटी इसमें बाधक है। तो आइए आज सारा दिन हम अपने को यज्ञ का मालिक और जिम्मेदार समझें और ये फील करते रहें कि बाबा की दृष्टि मुझ पर है, वो मुझे बल दे रहा है, उससे मुझे महान कार्य कराने हैं, कराने वाला भी वही, बल देने वाला भी वही, योग्यताएं भरने वाला भी वही, हम केवल अपने चित्त को तैयार करें उन महान कार्यों के लिए। तो आज सारा दिन इस गुड प्रैक्टिस में रहेंगे कि परम धाम से
सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, उनकी संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं, शक्तियों का एक पावरफुल फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान भी मेरे साथ है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।